हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज वर्क ऑफ लेसन नंबर 5। ठीक है, फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल बर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन ब्लू। ये आपको बॉक्स दिया, यहाँ से आपको सुटेबल बर्ड चूज करके इसमें फिल करना है। एज यू स्टार्ट टाइपिंग द टेक्स्ट द कर्सर कीप्स शिफ्टिंग टू द राइट। कर्सर हेयर राइट कर्सर, ओके, CURSOR कर्सर। ऑप्शन इज यूज विद कट और कॉपी। कट और कॉपी के साथ आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हो? पेस्ट का, PASTE पेस्ट, राइट हियर पेस्ट। यू कैन रिप्लेस द फाउंड टेक्स्ट विद अ न्यू टेक्स्ट बाय यूजिंग द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन थर्ड, ओके। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए यू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ए की हेल्प से हम क्या करते हैं? होल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं। रीडू कमांड कैन ओनली बी यूज आफ्टर अंडू। रीडू कमांड का यूज कब होता है? अंडू के बाद। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्लेस्ड बिलो द रिवन। इट इज फॉल्स। वी क्लिक रीडू बटन टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म। ट्रू। टकल केस चेंज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू रिवर्स केस। ट्रू। एमएस वर्ड हैज एन ऑटोमेटिक स्पेल चेकर ऑप्शन। इट इज ट्रू। ग्रामेटिकल एरर आर मार्क्ड बाय रेड वेव लाइन। फॉल्स। किससे होती है ग्रामेटिकल एरर? ग्रीन लाइन से। इट इज फॉल्स, ओके। नेक्स्ट आपकी पिक्चर स्टडी है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? केस राइट करने हैं। तो आई एम इंडियन, यहाँ पर क्या है, कौन सी केसेस है? लोअर केस, क्योंकि यहाँ पर जो ऑल लेटर्स हैं वो लोअर है ना, तो ये लोअर केस हो गया। कैपिटलाइज, ठीक है, इसमें जो है वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, ओके। नेक्स्ट आई एम इंडियन सेंटेंस केस, कौन सा केस है आपका? सेंटेंस केस, यहाँ पर आपके अपर केस, क्योंकि यहाँ पर ऑल लेटर्स कैपिटल फॉर्म में है, ठीक है, राइट हियर अपर केस। नेक्स्ट है आपका राइट द नेम ऑफ टूल प्रेजेंट इन द क्विक एक्सेस टूल बार। आप राइट करेंगे अंडू, रीडू एंड सेव, ठीक है, टूल्स होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स हेल्प अस टू फाइंड टेक्स्ट। क्या किसमें हेल्प करता है? हमारी टेक्स्ट को फाइंड करने में। एंड कैन लेट बी रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट विद अदर टेक्स्ट। और हम उससे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स से अपने जो हमारा टेक्स्ट है उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को अपने अदर टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। बी रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट विद अदर टेक्स्ट, ओके। राइट द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग अ स्पेलिंग मिस्टेक। हमें प्रोसेस राइट करिए, थोड़ा लेंथी आंसर है, इसलिए आपको बैक से राइट करना पड़ेगा। पेज नंबर 64 ओपन करिए। इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर देखिए प्रोसेस सही कंप्लीट, तो आप यहां से राइट करेंगे। राइट क्लिक ऑन द वर्ड टू बी करेक्टेड। अ मेनू इज डिस्प्ले विद द सजेस्टेड वर्ड। सिलेक्टेड द करेक्ट वर्ड हेयर टू हेयर। इफ द वर्ड यू हैव टाइप इज करेक्ट देन क्लिक ऑन इग्नोर ऑल। द वर्ड कैन बी एडेड टू द डिक्शनरी बाय यूजिंग एड टू द डिक्शनरी ऑप्शन, ठीक है। हेयर देखिए इस पेज पर, देखिए पेज नंबर 64 पे राइट क्लिक से और नेक्स्ट पेज पर डिक्शनरी ऑप्शन का, थोड़ा लेंथी आंसर है ये, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में राइट करने है, एक्सरसाइज वर्क अपनी बुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कॉमन बिटवीन कट एंड कॉपी ऑप्शन। कट और कॉपी ऑप्शन में कॉमन क्या होता है? पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन इज कॉमन बिटवीन द कट एंड कॉपी ऑप्शन, ठीक है। पेस्ट ऑप्शन PASTE पेस्ट ऑप्शन इज कॉमन बिटवीन कट एंड कॉपी ऑप्शन, ओके। आप इसको राइट करेंगे ये आंसर को। नेक्स्ट है व्हाट इज अंडू एंड रीडू। इसके लिए आप पेज नंबर 64 ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको हेडिंग मिलेगा अंडू एंड रीडू। इफ यू वांट टू इरेज टू द लास्ट एक्शन डन क्लिक टू अंडू बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्लिक रीडू बटन, रीडू बटन भी आपका कहाँ होता है? क्विक एक्सेस टूल बार में होता है। क्लिक रीडू बटन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लास्ट अंडू कमांड। रीडू कैन ओनली बी यूज्ड आफ्टर अंडू। आपको हेयर टू हेयर, ठीक है, आपको कंप्लीटली राइट करना है हेयर टू हेयर, ओके। ये वर्क आपको अपनी
नोटबुक में करना है। और आपको जो ऑल एक्सरसाइज वर्क है ना, ये ऑल एक्सरसाइज वर्क आपको बुक में करना है और ओनली क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, जो आपकी शॉर्टकट की है ना, इनको लर्न कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको, आपका नेक्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ लोगो, MSW लोगो, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।